तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी पसंद नोटा बना है। बस्तर समेत आदिवासी सीटों पर लोगों ने नोटा का बटन दबाकर प्रत्याशियों को दरकिनार कर दिया। पिछले दो चुनावों के आंकड़ों में यह सामने आया कि छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 सीटों पर नोटा का प्रभाव है और 5 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पसंद नोटा यानी कि नन ऑफ एवब रहा है। पिछले चुनाव में राज्य की 11 में से 5 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर है जबकि 3 सीटों पर नोटा चौथे स्थान पर है। इन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिले। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस साल में नोटा का प्रतिशत कितना रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल नोटा वोट 224,889 प्रतिशत 1.83। साल 2019 छत्तीसगढ़ में कुल नोटा वोट 196,265 वोट प्रतिशत 1.44। अब देख लेते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस सीट पर नोटा की क्या स्थिति रही है। बस्तर सीट पर 41,667 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक तीसरा रहा और 5 उम्मीदवार जो पीछे रहे। कांकेर सीट पर 26,713 सीट का रैंक रहा 3 और 7 उम्मीदवार पीछे रहे। महासमुंद सीट पर 21,241 नोटा वोट पड़े, सीट पर रैंक रहा तीसरा और 11 उम्मीदवार पीछे छोड़े। राजनांदगांव में नोटा वोट पड़े 19,436 सीट की रैंक रही तीसरी और 12 उम्मीदवार पीछे छूटे। वहीं सरगुजा में 29,265 नोटा वोट पड़े, सीट की रैंक रही 3 और 8 उम्मीदवार पीछे छूटे। कोरबा में 19,305 नोटा वोट पड़े, सीट की रैंक रही 4 और 10 उम्मीदवार पीछे छूटे। रायगढ़ में 15,729 नोटा वोट पड़े, सीट की रैंक रही 4 और 11 उम्मीदवार पीछे छूटे। जांजगीर चांपा में 9,981 नोटा वोट पड़े, सीट की रैंक रही 4 और 12 उम्मीदवार पीछे छूटे। बिलासपुर लोकसभा सीट पर 4,365 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 8 और 18 उम्मीदवार पीछे छोड़े। रायपुर लोकसभा सीट पर 4,292 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 8 और 18 उम्मीदवार पीछे छोड़े। दुर्ग लोकसभा सीट पर 4,271 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 8 और 14 उम्मीदवार पीछे छोड़े। अब एक नजर उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव पर डाल लेते हैं कि किस सीट पर नोटा की क्या स्थिति रही। बस्तर लोकसभा सीट पर 38,772 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा तीसरा और 6 उम्मीदवार पीछे छोड़े। कांकेर लोकसभा सीट पर 31,917 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा तीसरा और 8 उम्मीदवार पीछे छोड़े। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर 32,384 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा तीसरा और 11 उम्मीदवार पीछे छोड़े। सरगुजा में 31,104 वोट पड़े, सीट की रैंक रही तीसरी और 12 उम्मीदवार पीछे छूटे। रायगढ़ में 28,480 नोटा वोट पड़े, सीट की रैंक रही तीसरी और 10 उम्मीदवार पीछे छूटे। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर 18,438 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 4 और 12 उम्मीदवार पीछे छोड़े। दुर्ग लोकसभा सीट पर 11,907 वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 6 और 21 उम्मीदवार पीछे छोड़े। महासमुंद लोकसभा सीट पर 9,955 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 7 और 21 उम्मीदवार पीछे छोड़े। कोरबा लोकसभा सीट पर 8,570 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 8 और 17 उम्मीदवार पीछे छोड़े। बिलासपुर लोकसभा सीट पर 7,566 नोटा वोट पड़े, सीट पर रैंक रहा 8 और 19 उम्मीदवार पीछे छोड़े। राजपुर लोकसभा सीट पर 5,796 नोटा वोट पड़े, सीट का रैंक रहा 8 और 29 उम्मीदवार पीछे रहे। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों ने लिया है, तो इस बार नोटा का कोई टोटा नहीं होगा। कुछ लोग जरूर ऐसे हो सकते हैं जिनके अलग अलग कारण होते हैं किसी भी पार्टी को न चुनने के, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होगा और इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीत रही है। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों में जिसमें बस्तर में सबसे ज्यादा नोटा पे मतदान होने की बात आई है, तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को वहां पे कुछ जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जागरूकता कमी के चलते भी कुछ लोग नोटा को दबा देते हैं और जनता को अपना बहुमूल्य वोट प्रत्याशी को देना चाहिए, देश के हित में देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में मैदानी इलाकों से अधिक नोटा को वोट मिले थे। 2014 में जिन 5 लोकसभा सीटों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा, उनमें से 4 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में राज्य निर्माण के बाद लगातार भाजपा का ही दबदबा रहा है, कहा जा सकता है। 2004, 2009, 2014 में कांग्रेस एक एक सीट, महासमुंद
से अजीत जोगी और दुर्ग से ताम्रध्वज साहू और कोरबा से चरण दास महंत ने जीत दर्ज की थी। 2019 में कांग्रेस की थोड़ी बढ़त रही और 11 में से 2 सीटों बस्तर और कोरबा पर उन्हें विजय प्राप्त हुई। साफ यही दर्शाता है कि नोटा वाले मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों से नाखुश रहे। टीम न्यूज़ स्टेट।